इस कहानी की शुरुआत होती है उस समय से जब भारत 190 साल की गुलामी के बाद आजाद हो चुका था और अपने सुनहरे सफर की कहानी लिखने के लिए पूरी तरीके से तैयार था। 15 अगस्त 1947 पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आजाद हिंद के पहले प्रधानमंत्री की शपथ तो ले ली थी, पर अब आगे क्या करना था इसका सही अंदाजा शायद उन्हें भी नहीं था। कॉलोनियल रूल की वजह से हमारी इकोनॉमी की चाल काफी धीमे थी और पुरानी सभी नीतियां पूरी तरीके से बेबुनियाद हो चुकी थी। अब समय था एक नई शुरुआत करने का। सरकार के लिए सबसे पहला काम था देश के लिए एक अच्छा इकोनॉमिक सिस्टम तय करना। इकोनॉमिक सिस्टम का मतलब वो तरीका जिससे एक देश अपना पैसा, सामान और सर्विसेज के यूज को मैनेज करता है। सादा भाषा में किसकी कितनी चलेगी। हमारे सामने तीन तरीके थे। पहला, मार्केट इकोनॉमी या कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, जिसको बाजार की अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। एक ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम जिसमें प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और प्राइसिंग का पूरा कंट्रोल प्राइवेट इंडिविजुअल्स और बिजनेसेस के हाथ में होता है। दूसरा था सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी या सोशलिस्ट इकोनॉमी, जिसका मतलब है एक ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें सभी इकोनॉमिक डिसीजन का कंट्रोल सरकार करे। कौन क्या प्रोड्यूस करेगा, कितना प्रोड्यूस करेगा और किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये सब सरकार तय करे। तीसरा और अंतिम विकल्प था मिक्स्ड इकोनॉमी, यानी मिलीजुली अर्थव्यवस्था। इसमें सरकार और प्राइवेट सेक्टर दोनों का अपना अपना रोल होता है। सरकार को जरूरी इंडस्ट्रीज और सर्विसेज को रेगुलेट और कंट्रोल करती है, जबकि बाकी सभी जगह प्राइवेट अपने तरीके से काम करे, इसकी उसे पूरी आजादी होती है। अब क्योंकि भारत 190 साल बाद आजादी का पहला कदम रखने जा रहा था, इसलिए किसी एक सेक्टर पर निर्भर रहना शायद सही विकल्प नहीं होता। इस बात को समझते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू और देश के बाकी सभी बड़े लीडर्स ने मिलकर मिक्स्ड इकोनॉमी का रास्ता अपनाया और निकल पड़े हमारे भारत को वापस सोने की चिड़िया बनाने। शुरुआत हुई एक ऑर्गेनाइजेशन से जो पूरी तरह से इस सपने को पूरा करने के लिए समर्पित थी। इसका नाम रखा गया प्लानिंग कमीशन, जो 1950 में बनी। इसके चेयरमैन खुद भारत के प्रधानमंत्री थे। इस ऑर्गेनाइजेशन को आज हम नीति आयोग यानी नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया के नाम से जानते हैं। प्लानिंग कमीशन की प्रोग्रेसिव इकोनॉमिक प्लानिंग ने सबसे पहले 5-year प्लान यानी पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत करी, जिसका मतलब था कि सरकार दो प्रकार के गोल्स तय करी। पहले थे शॉर्ट टर्म गोल्स, जो हर 5 साल में इकोनॉमी की जरूरत के हिसाब से बदले जाएंगे। जैसे पहले 5-year प्लान जो 1951 से 56 का था, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, दूसरे का गोल था इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और तीसरे में एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ाना हमारा गोल रहा। दूसरे प्रकार के गोल थे लॉन्ग टर्म गोल्स, यानी ऐसे ऑब्जेक्टिव जिनको पूरा करने में कई दशक लगने वाले थे। इसमें 5 ऑब्जेक्टिव आते। पहला, इकोनॉमिक ग्रोथ यानी देश में विकास की दर या GDP को बढ़ाना। दूसरा, मॉडर्नाइजेशन यानी नई टेक्नोलॉजी और नए विचारों को अपनाना। तीसरा, फुल एम्प्लॉयमेंट यानी सबको रोजगार। चौथा था इक्विटी, जिसका मतलब होता है समाज में हर तबके के लोगों को समान अवसर देना। और पांचवा, सेल्फ रिलायंस, सादा भाषा में आज का आत्मनिर्भर भारत। इन 5 को ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग भी कहते हैं। आज तक
भारत में 12 फाइव ईयर प्लान पूरे हुए, जिसमें आखिरी था 2012 से 2017 का। इसके बाद नीति आयोग ने पंचवर्षीय योजनाओं को पूरी तरीके से स्थगित कर दिया। अगर आपको भी इकोनॉमिक्स पढ़ने या समझने में दिक्कत होती है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा हमारी इन हाउस मैक्रो इकोनॉमिक्स और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बुक्स। ये किताबें मैंने खुद बनाई हैं, इसलिए इसकी लैंग्वेज और एक्सप्लेनेशन बिल्कुल वही है जो आपको चाहिए। आपके मार्क्स को इंक्रीज करने के लिए इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, माइंड मैप्स, MCQ और साथ साथ में प्रीवियस ईयर पेपर्स को भी इंक्लूड किया गया है। ऑलरेडी 10,000 से ज्यादा बच्चे इन किताबों को लेकर अपनी इकोनॉमिक्स की अंडरस्टैंडिंग को बेहतर कर रहे हैं और अपने मार्क्स बढ़ा रहे हैं। इस किताब को लेने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से आप डायरेक्टली ले सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारी वीडियो पर। एक पानी की बूंद को भी अगर कई सालों तक पत्थर पर टपकाया जाए ना, तो वो भी उसे चीर देती है। अंग्रेजों ने तो हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर के साथ ऐसा पूरे 190 साल तक किया था। भारत के विकास में जिस एग्रीकल्चर सेक्टर की अहम भूमिका रहने वाली थी, अंग्रेजों की बदौलत वो सिर्फ रॉ मटेरियल के प्रोडक्शन तक सीमित हो चुका था। खेतों में पानी की सुविधा ना होने के कारण हम अभी भी रेनफॉल पर डिपेंडेंट हैं, और स्मॉल एंड स्कैटर्ड होल्डिंग की वजह से किसान किसी भी तरीके की नई तकनीक का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा। खैर, बात अगर इतनी सी होती ना तो भी ठीक था, पर जब किसानों की परेशानियों का पिटारा खुला तो सबकी आंखें भर आई। वो कहते हैं ना, जो सबकी करता है वो ही सबसे पहले मरता है। हमारे अन्नदाताओं को हर कदम पे बस कांटों का ही सामना करना पड़ता था, चाहे किसी इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस के ना होने की वजह से जमींदारों और महाजनों से महंगी इंटरेस्ट रेट पर पैसे लेना हो, या मजबूरन अपनी फसलों को सस्ते दामों पर बेचना। किसान कहीं भी खुश नहीं, और होता भी कैसे, पैसों से भरी इस दुनिया में वो नादान अभी भी जमीन को अपनी मां मानकर बैठे। कहते हैं ना, वक्त की एक खासियत होती है, वो चाहे अच्छा हो या बुरा बदलता जरूर है। जब भारत के विकास की बात होती तो सबसे पहला नंबर एग्रीकल्चर सेक्टर का ही आया, और ऐसा होता भी क्यों ना। एग्रीकल्चर सेक्टर हमारे देश का सबसे बड़ा सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट था। 1950 में करीब 70% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पर ही डिपेंडेंट था। GDP, एक्सपोर्ट और गवर्नमेंट रेवेन्यू में भी ये बहुत बड़ा योगदान देता था। इतना ही नहीं, कॉटन, शुगर या ऑयल बेस्ड इंडस्ट्रीज के लिए ये रॉ मटेरियल और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जैसे ट्रैक्टर, पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर बनाने वालों के लिए ये बहुत बड़ा बाजार भी था। यानी एग्रीकल्चर सेक्टर के बिना विकास की बात करना भी बेबुनियाद था। घाव चाहे कितना भी गहरा, वक्त के साथ भर ही जाता है। बस इसी बात पर भरोसा रखते हुए भारत की सरकार ने पहला फाइव ईयर प्लान पूरी तरीके से एग्रीकल्चर सेक्टर को सुधारने में लगा दिया। काफी सोच विचार के बाद तीन तरीके के रिफॉर्म यानी बदलावों पर बात हुई, जिन्हें एग्रेरियन रिफॉर्म्स भी कहते हैं। इनमें पहला था लैंड रिफॉर्म या इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म, जिसका मकसद था जमीन से जुड़ी सभी परेशानियों को सुधारना। लैंड रिफॉर्म में सरकार ने कुछ अहम कदम उठाए, जैसे अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडिएट्स यानी जमींदारी सिस्टम को हटाकर जमीन का मालिकाना हक सीधा किसान को दे देना, जिससे वो जमीन में होने वाले हर संभव सुधार को पूरे हक से कर पाए। सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग यानी एक व्यक्ति के पास ज्यादा से ज्यादा कितनी जमीन होगी ये तय किया गया। तय की गई लिमिट से
अगर ज्यादा जमीन किसी के पास पाई जाती तो उससे वो जमीन लेकर सरकार किसी ऐसे किसान को दे देती जिसके पास बहुत कम या बिल्कुल जमीन नहीं थी। कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग, जिसके तहत अगर किसान के पास स्मॉल एंड स्कैटर्ड होल्डिंग यानी अलग अलग जगह छोटी छोटी जमीनें हैं तो सरकार उसे लेकर उस किसान को एक बड़ी जमीन अलॉट करेगी ताकि वो किसान उस जमीन पर नई तकनीकों का इस्तेमाल करके अपने प्रोडक्शन को बढ़ा पाए। और अंत में कोऑपरेटिव फार्मिंग का मॉडल भी लाया गया, यानी छोटे किसान अब साथ मिलकर बीज, खाद और बाकी सभी सामान खरीद सकते थे, जिससे पर यूनिट कॉस्ट काफी कम हो सकती थी और किसानों का फायदा बढ़ सकता था। लैंड रिफॉर्म के बाद अब बारी थी जनरल रिफॉर्म की, जो पानी, खेती के लिए पैसा और फसल बेचने के लिए सही खरीदार से जुड़े थे। सबसे पहले पानी यानी इरिगेशन फैसिलिटी को सुधारा गया। जितना हो सके उतने खेतों को पानी का एक प्रॉपर सोर्स जैसे कि कुआ या ट्यूबवेल दिया गया। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अनुसार सन 2010 तक भारत के 35% खेतों को पूरी तरीके से पानी की सुविधा मिल चुकी है, यानी अब उन्हें रेनफॉल पर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ता। पैसों की परेशानी को सुधारने के लिए सरकार ने 1982 में नाबार्ड यानी नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट की शुरुआत करी। नाबार्ड एक ऐसा बैंक था जो एग्रीकल्चर सेक्टर में एपेक्स यानी सबसे बड़ा बैंक बना, और बाकी सभी बैंक जो इस सेक्टर में काम कर रहे थे वो सब अब नाबार्ड की देखरेख में आने लगे, जैसे रीजनल रूरल बैंक या कोऑपरेटिव बैंक। हमारे किसान की समस्या अब काफी हद तक सुधरने लगी थी, पर अभी भी वो था तो किसान ही, जिसे फसल उगाना तो आता था पर उसे बेचना नहीं, जिस वजह से वो ज्यादा फसल उगाने के बावजूद ज्यादा पैसे नहीं कमा पा रहा था। इस समस्या को सुधारने के लिए सरकार ने पहले शुरू करी सपोर्ट प्राइस पॉलिसी, जिसके तहत सरकार सभी किसानों की फसल का एक मिनिमम दाम लगाएगी, जिसे MSP यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस कहते हैं। किसान चाहे तो बाजार में अपनी फसल को बेच सकता है, पर अगर उसे उचित दाम ना मिले तो सरकार उसकी पूरी फसल MSP पर खरीद लेती थी। फिर आया रेगुलेटेड मार्केट और कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी का नंबर। रेगुलेटेड मार्केट का मतलब एक ऐसा बाजार जहां सरकार तय करेगी कि कौन कौन इस बाजार में फसल खरीदने आएगा और कम से कम कितना दाम लगाएगा। इस बाजार के आने से अब किसानों को किसी मिडिलमैन के हाथों एक्सप्लॉइट होने की कोई जरूरत नहीं। कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी का गठन किसानों की बार्गेनिंग पावर को बढ़ाने के लिए किया गया। अब सभी छोटे किसानों की फसल को इकट्ठा करके ये सोसाइटी उन्हें उचित दामों पर बेचती। फूड ग्रेन के साथ एक बहुत बड़ी परेशानी थी, सही से ना रखा जाए तो वो बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं। इसे ध्यान में रखते हुए सरकार ने 1964 में FCI यानी फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की शुरुआत करी, जो स्टोरेज एंड वेयरहाउसिंग का पूरा ध्यान रखेगी। एग्रेरियन रिफॉर्म के अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण हिस्से का नाम था ग्रीन रिवॉल्यूशन यानी टेक्निकल रिफॉर्म, जिसकी रूपरेखा में अहम योगदान दिया डॉक्टर MS स्वामीनाथन ने। जी हां, वही ग्रीन रिवॉल्यूशन जिसकी बात करे बिना हमारी ग्रोथ की कहानी बिल्कुल अधूरी है। आसान भाषा में ग्रीन रिवॉल्यूशन का मतलब एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी में एकदम से आई तेजी। लेट 1960s में गेहूं और चावल में बहुत तेजी देखने को मिली, जिसकी वजह थी हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड यानी HYV सीड का इस्तेमाल, केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स का सही यूज, साइंटिफिक क्रॉप रोटेशन और मॉडर्नाइज तरीके से फार्मिंग करना।
इस रिवॉल्यूशन ने भारत के डेवलपमेंट की चाल को बहुत तेज कर दिया। ग्रीन रिवॉल्यूशन की वजह से हमारी नेशनल इनकम और प्रोडक्शन दोनों काफी बढ़ गए। इसका फायदा सिर्फ बड़े किसानों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि ज्यादा प्रोडक्शन होने से बाजार में अवेलेबल फूड ग्रेन यानी मार्केटेबल सरप्लस बढ़ा, जिसके चलते गेहूं और चावल के दाम गिरने लगे, जो भारत के लोअर इनकम ग्रुप के लिए बहुत अच्छी खबर थी। अब हमारी सरकार के गोदामों में बफर स्टॉक यानी किसी अनहोनी के समय के लिए खाने की कोई कमी नहीं बची, और भारत का किसान भी अब खेतों को सिर्फ जीने का नहीं बल्कि कमाने का जरिया भी समझने लगा। क्या आपको पता है, अगर आज किसी समझदार इकोनॉमिस्ट से पूछे क्या भारत को एक और ग्रीन रिवॉल्यूशन चाहिए, तो उसका जवाब होगा नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जब ग्रीन रिवॉल्यूशन इतना बेहतर था तो फिर एक और क्यों नहीं। वो कहते हैं ना, हर सिक्के के दो पहलू होते, एक अच्छा तो दूसरा बुरा। ग्रीन रिवॉल्यूशन का भी कुछ ऐसा ही हाल था। एक ओर जहां इसकी वजह से प्रोडक्शन बढ़ा, वहीं दूसरी ओर पानी की कमी होने लगी, क्योंकि चावल और गेहूं दोनों फसलों को काफी अच्छी मात्रा में पानी चाहिए था, और इसी वजह से सॉइल डिग्रेडेशन जैसी दिक्कतें सामने आने लगी। अब क्योंकि ग्रीन रिवॉल्यूशन में लिमिटेड क्रॉप्स आती हैं, तो बाकी किसी और के प्रोडक्शन में तो कोई फर्क पड़ा ही नहीं। इसका सबसे बड़ा नुकसान यह था कि HYV सीड और मॉडर्न टेक्नोलॉजी, ये दोनों कभी सस्ती नहीं हुई। तो प्रोडक्शन बढ़ा तो सही, पर सिर्फ बड़े किसानों का। और अंत में ये ग्रीन रिवॉल्यूशन की आंधी पूरे भारत में नहीं चली, क्योंकि जो क्लाइमेट गेहूं और चावल को चाहिए था वो पंजाब, हरियाणा, आंध्र प्रदेश और वेस्टर्न यूपी के कुछ हिस्सों में ही मिला। खैर, अच्छा था या बुरा, ग्रीन रिवॉल्यूशन ने भारत को फूड ग्रेन में आत्मनिर्भर तो बना ही दिया था। पहले 5-year प्लान के बाद अब बारी थी अगले 5 साल के। एग्रीकल्चर सेक्टर में किए बदलावों का रिजल्ट आने में काफी समय लगने वाला था, इसलिए 1956 से 1961 में इंडियन प्लानिंग के आर्किटेक्ट और इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट के संस्थापक पीसी महानोबिस ने इंडस्ट्रियल सेक्टर को पकड़ लिया। चाहे भारत को एग्रीरियन इकोनॉमी क्यों ना कहा जाता हो, पर अगर पैसे बनाने हैं तो इंडस्ट्रीज को तो सुधारना पड़ेगा, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर के मुकाबले इंडस्ट्रियल सेक्टर एक ज्यादा स्टेबल सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, और साथ साथ नेशनल इनकम को बढ़ाने के लिए यह सबसे बेहतरीन सेक्टर था। इंडस्ट्रियल सेक्टर खाने में नमक की तरह होता है, जैसे नमक के बिना खाने में स्वाद नहीं आता, वैसे ही इंडस्ट्रीज के बिना इकॉनमी का ग्रोथ पोटेंशियल नहीं बढ़ सकता, क्योंकि इंडस्ट्रीज एक्सपोर्ट करने के साथ साथ मॉडर्नाइजेशन और टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन में भी अहम योगदान देती है। फिर चाहे वो एग्रीकल्चर सेक्टर ही क्यों ना हो, बिना इंडस्ट्रीज के वो आगे नहीं बढ़ सकता। पर हम ठहरे भारतवासी, जिन्हें इंडस्ट्रीज के नाम पर सिर्फ टिस्को और कुछ शुगर मिल का ही पता था, मतलब साफ था 1950 में इंडस्ट्रियल सेक्टर था ही नहीं। ऐसे में सरकार का एक कर्तव्य बनता है कि वो आगे आए और इस सेक्टर को पूरी तरीके से रेगुलेट करे, क्योंकि प्राइवेट इंडिविजुअल्स के पास ना तो इतना पैसा था और ना ही रिटर्न और इन्वेस्टमेंट मिलने की उम्मीद। बस फिर क्या था, 1956 सरकार लेकर आई दूसरा इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन यानी IPR 1956, एक ऐसी इंडस्ट्रियल पॉलिसी जिसने सेक्टर में गवर्नमेंट के रोल को बढ़ा दिया और प्राइवेट सेक्टर के हाथों से पैसों का निवाला छीन लिया। इस पॉलिसी के तहत सरकार ने 3 चीजें कही। पहली, 3-tier क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, यानी पूरे इंडस्ट्रियल सेक्टर को 3 कैटेगरी में बांट दिया।
शेड्यूल ए जिसमें 17 इंडस्ट्री आई जिन पर पूरी तरीके से सिर्फ सरकार का हक होगा, जैसे कोल, एटॉमिक एनर्जी, आयरन और स्टील जैसी इंडस्ट्रीज। प्राइवेट को इनमें से किसी भी इंडस्ट्री को खोलने की कोई आजादी नहीं होगी। शेड्यूल बी में आई 12 इंडस्ट्री जो सरकार और प्राइवेट दोनों चला सकते हैं, पर सरकार का रोल प्राइवेट से कई ज्यादा होगा। और शेड्यूल सी में बची कुची सारी इंडस्ट्रीज आ गई जो प्राइवेट इंडिविजुअल आराम से खोल भी सकते थे और चला भी सकते थे। आईपीआर 1956 के तहत जो दूसरा काम हुआ वो था इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग का लागू होना। इसका मतलब था कि अगर किसी इंडस्ट्री को सेटअप या एक्सपेंड करना है तो सरकार की तरफ से एक रिटर्न परमिशन लेनी जरूरी है। बिना परमिशन के ना तो कोई इंडस्ट्री खुल सकती और ना ही एक्सपेंड हो सकती। तीसरा और आखिरी काम था इंडस्ट्रियल कंसेशन। आईपीआर का मेन मकसद था भारत का विकास, इसलिए अगर कोई इंडस्ट्रियलिस्ट गांव में या किसी बैकवर्ड एरिया में इंडस्ट्री सेटअप करता तो भारत सरकार की तरफ से उसे टैक्स में छूट, सस्ती दरों पर पावर सप्लाई जैसे बहुत सारे फायदे मिलते। भारत जैसे देश में अगर इंडस्ट्रीज को आगे बढ़ाना था तो बड़ी इंडस्ट्रीज से ज्यादा जरूरी रोल स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को निभाना था। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का मतलब ऐसी इंडस्ट्री जिनका कैपिटल इन्वेस्टमेंट 1951 में 5 लाख से अधिक ना हो, आज इसे बढ़ाकर 5 करोड़ कर दिया गया है। इन इंडस्ट्रीज की सबसे बड़ी खासियत है कि लेबर इंटेंसिव होने के साथ साथ बैलेंस्ड रीजनल ग्रोथ को भी प्रमोट करती है, क्योंकि इन्हें कहीं भी खोला जा सकता है। ना तो इनके लिए बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट चाहिए और ना ही बड़ी जगह, इसलिए ये इक्विटी के ऑब्जेक्टिव को पूरा करने में भी अपना अहम योगदान देती है। ये SSI बड़ी इंडस्ट्रीज के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये उन इंडस्ट्रीज के सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल का भी काम करती है। यानी बड़ी इंडस्ट्री को जो कच्चा माल चाहिए वो ये लाकर देती थी, जिससे बड़ी इंडस्ट्रीज की मेहनत भी बच जाती थी और इन्हें सही खरीदार भी मिलता है। SSI की जरूरत को पहचानते हुए सन 1955 में गोपाल कर्वे, जो कि एक इंडियन इकोनॉमिस्ट थे, उनके नाम पर कर्वे कमेटी का भी गठन हुआ। इस कमेटी का मेन उद्देश्य था स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के विकास दर को बढ़ाना। कॉलोनियल रूल ने भारत को रॉ मटेरियल का एक्सपोर्टर और फिनिश गुड्स का इंपोर्टर बना दिया। अंग्रेजों का मानना था कि भारत के फॉरेन ट्रेड को कभी डेवलप नहीं होने दिया जाए, पर अब तो हम आजाद थे, यानी समय था सब कुछ बदलने का, और हुआ भी ऐसा ही। सरकार ने डोमेस्टिक प्रोड्यूसर को बढ़ाने के लिए और फॉरेन डिपेंडेंसी को कम करने के लिए इनवर्ड लुकिंग ट्रेड पॉलिसी या इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की पॉलिसी लागू करी, जिसका मतलब था कि बाहर से इंपोर्ट होने वाले सामान को जितना हो सके रोका जाए और उसे डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स से बनवाया जाए, ताकि हमारी लोकल इंडस्ट्रीज को डेवलप होने का पूरा मौका मिले। भारत में बनने वाले सामान को इंपोर्ट्स के कंपटीशन से बचाने के लिए 2 अहम कदम उठाए गए। पहला था टैरिफ पॉलिसी, यानी इंपोर्टेड गुड्स पर भारी मात्रा में टैक्स लगाया जाए, ताकि भारतीय बाजारों में उनकी कीमत बढ़े और जनता डोमेस्टिक गुड्स को खरीदने के लिए आगे आए। दूसरा था कोटा सिस्टम, यानी कितनी कीमत का सामान इंपोर्ट किया जाएगा इस पर एक लिमिट लगा दी गई, ताकि सिर्फ वो ही गुड्स इंपोर्ट हो जिसकी जरूरत भारत के विकास को थी। पर क्या ये पॉलिसीज हमें पूरी दुनिया से काट नहीं रही थी? अनजाने में ही सही, पर हमने फॉरेन इन्वेस्टमेंट के सारे रास्ते शायद बंद कर दिए थे। खैर, इन पॉलिसीज का हमारी इकॉनमी पर क्या फर्क पड़ा या कैसे फर्क पड़ा, इसकी बात अगले चैप्टर में, यानी इंडियन इकॉनमी सिंस 1991 में होगी।
जाने से पहले हर बार की तरह आपके लिए दो सवाल। पहला, अगर 1956 में आया हुआ आईपीआर सेकेंड आईपीआर था तो पहला आईपीआर कब आया था? सवाल नंबर दो, फर्स्ट फाइव ईयर प्लान का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? इन दोनों में से एक सवाल का जवाब तो आपको इस वीडियो में मिल गया होगा और दूसरा कमेंट में। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ।